फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आई साइड। इस कश्मीर ट्रिप में आज हम ऐसी जगह विजिट करने वाले हैं जिसके बिना आपकी ट्रिप कंप्लीट नहीं होगी, और वो जगह है सोनमर्ग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको इस वीडियो देख के पता चल ही जाएगा। वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक पैकेज थ्रू, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। इस होटल में हम रुके, होटल क्राउन प्रिंस, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और बाद में इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो सोनमर्ग जाते हुए रास्ते में एक विलेज आया, बहुत ही प्यारा विलेज है। रोड के दोनों साइड एप्पल ट्रीज है, हालांकि एप्पल अभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस जगह का ड्रोन व्यू कैसा आएगा वो सोच के मैंने यहाँ पे 5-10 मिनट के गाड़ी को यहाँ पे रखा है। यहाँ से ड्रोन फ्लाई करते हैं और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे को देखते हैं। इन 3-2-1 गो। तो यहाँ के ड्रोन व्यू सबको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अब समय हो चुका है सोनमर्ग के लिए आगे बढ़ने का। अगर रास्ते में ऐसी कोई फिर से जगह आएगी तो ड्रोन से या फिर मोबाइल से हम जरूर कैप्चर करेंगे, आपको दिखाएंगे। बढ़िया व्यूज दिखाना मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ लीजिए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं सोनमर्ग के लिए। तो सोनमर्ग जाते हुए रास्ते में एक विलेज है थ्यून, यहाँ से करीबन 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सोनमर्ग। यहाँ पे हम इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पे रिवर है, और ये देखिए रिवर के दोनों साइड स्नो ही स्नो है। तो यहाँ पे तो रुकना बनता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे और बहुत सारी मेमोरी क्रिएट करनी है यहाँ पे। देखो वैसे तो मुझे इस जगह के ड्रोन व्यूज लेने थे, लेकिन हमने इंक्वायरी की तो यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउ नहीं है, और ऐसे भी विदाउट परमिशन हम ड्रोन फ्लाई नहीं करते। लेकिन मैं कैप्चर करके यहाँ के लैंडस्केप को आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, जलसो पड़ी गयो छे, मजा आई गई, मजा नहीं लाई। यस, तुमने क्यों लाग रहे हो प्रीत भाई? बहुत मजा आई हुई जगह है, मतलब नदी छे, पहाड़ छे, स्नो छे, मतलब बर्फ छे, અને નાના મોટા પથ્થર ને પહાડો ઘણા ના તેર, મતલબ તમને સ્મરણીય જે એક્સપિરિયન્સ કે ને એવું છે। એક્ઝેક્ટલી તો આવી બધી જગ્યાએ તમે પણ 5-10 મિનિટ નો બ્રેક લેજો રસ્તામાં અને એન્જોય કરજો, ફોટોગ્રાફી કરજો, કાવો પીવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચલો આપણે ભી કાવો પીએ પહેલા। ચલો तो अभी हम पहुंचे गगनगिल, और यहाँ से सोनमर्ग 13-14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ से आगे आपकी कैब नहीं जाएगी, तो यहाँ पे आपको दूसरी कैब या टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसका रेट आने जाने का 3000 जितना होता है। तो आप भी ये ख्याल रखिएगा, और हम भी यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना टैक्सी, इसके थ्रू आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी में टायर में चैन ना हो ना, वहाँ आगे जाने ही नहीं दिया जाता, तो इसके लिए आपको एक कंपलसरी है। तो हम भी इस गाड़ी से आगे बढ़ते सोनमर्ग के लिए। We'll be right back.
हम सोनमर्ग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भाई साहब चारों ओर स्नो ही स्नो है। यहाँ का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है और शायद इसीलिए कश्मीर को जन्नत कहते हैं। हालांकि यहाँ से दो पॉइंट होते हैं, एक होता है थाजीवास ग्लेशियर, तो ग्लेशियर तब तो आप जा ही नहीं पाओगे, स्नो ही इतना होता है, और दूसरा होता है जोजिला पास जो बंद हो जाता है हैवी स्नोफॉल की वजह से। यहाँ पे ऐसी स्नो बाइक होती है जिसकी मदद से आप कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ तक जा सकते हो। ऐसे यूजुअली बोलते हैं कि लास्ट पॉइंट तक आपको ले जाएंगे, तो 2000 जितना प्राइस होता है पर पर्सन। तो मैं और प्रीत जा रहे हैं लास्ट पॉइंट तक, वहाँ पे देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा अपने को देखने को मिलता है। अभी प्रीत भाई की स्नो बाइक तो है यहाँ पे, मेरी बाइक आती है तब हम निकलते हैं। स्नो में सबसे ज्यादा मजा पता है किस एक्टिविटी में आता है? स्की करना एक मजेदार एडवेंचर है। हम यहाँ स्की सीखते हुए न जाने कितनी बार गिरे, बार बार गिरे, लेकिन हर बार खड़े होकर आगे बढ़े, लेकिन फिर से गिरे, वापस नई उम्मीद के साथ आगे बढ़े और फाइनली हमने बिगिनर लेवल की प्रॉपर स्की कर ली। और ऐसे स्की करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। और बाद में हमने वहाँ मैगी ट्राई की जो टेस्ट में काफी अच्छी थी। एक बात तो है, हिमालयन माउंटेन रेंज के पहाड़ों का सबसे अच्छा नज़ारा सोनमर्ग से ही दिखता है। और इतने प्यारे नज़ारों को ड्रोन से कैप्चर करने के लिए हम आगे बढ़े और रास्ते में क्या व्यूज देखने को मिले। सच कहो दोस्तों, इंडिया में इतनी प्यारी जगह है ना कि हमें व्यूज के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे हम चलते हुए एक जगह पहुंचे सोनमर्ग क्लब, तो चलिए शानदार सोनमर्ग को ड्रोन की नजरों से एंजॉय करते हैं। देखो कश्मीर में समर में आ चुका हो तब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती, इसीलिए मुझे विंटर में आना था जहाँ पे चारों ओर स्नो ही स्नो हो। और फिलहाल कुछ ऐसा ही हाल है यहाँ पे सोनमर्ग में, वो मुझे जो देखना था ना चारों ओर स्नो ही स्नो, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। वैसे यहाँ पे स्नो में आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में की थी जो स्नो बाइक थी वो, उसके पर पर्सन 2000 जितना चार्ज होता है। फिर यहाँ पे स्लेज होता है उसका 500 रुपीज़ जितना होता है, वैसे वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और जो स्की है वो आपको 1000 या 1200 रुपये में होगा, लेकिन उसमें भी एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, चार राउंड ऐसे होते हैं, लेकिन सब में आप नेगोशिएट हरगिज कर सकते हो, आप अपने स्किल पे डिपेंड करता है। फिलहाल अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, सोनमर्ग जो मेन मार्केट है वहाँ जाएंगे। रास्ते में जो रिवर थी वहाँ पे भी हमें कुछ अच्छी फुटेजेस कैप्चर करनी है जो आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो आप देखोगे ना, आप खुद कमेंट करके ही जाओगे। तो जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपनी स्नो बाइक से जो हमारा जो पॉइंट है वहाँ तक। तो चलिए जल्दी। देखो वैसे तो फिलहाल मैं मार्केट घूमने के लिए आया था, लेकिन विंटर की सीज़न में ज़्यादातर मार्केट क्लोज ही रहता है, कुछ दो चार दुकानें होगी जो आपको खुली मिलेगी। आप देख रहे हो यहाँ पे चार चार पाँच पाँच फीट बर्फ़ जम चुकी है, तो आप सोचिए कि ऐसे एटमोसफियर में सर्वाइव करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। हालाँकि टूरिज़म की वजह से आपको होटल्स वगैरह तो ओपन मिल ही जाएंगे, लेकिन पैसा मानना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत स्नो है। सोनमर्ग को स्नोमर्ग बोल देना चाहिए, इतनी स्नो है। We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars.
तो अभी हम वहाँ पहुँचे आइलैंड पार्क, लेकिन इसे स्नो आइलैंड पार्क कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा। वैसे यहाँ की एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है, ये गार्डन है जो अभी स्नो से भरा पड़ा है, और सराउंडिंग माउंटेंस इसमें 4 चांद लगा देते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। आई मस्ट से दैट यू शुड कम हियर, सच में व्हाट अ प्लेस यार। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे, और मुझे बाद में ड्रोन फ्लाई करना है तो पहले यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ ये जगह, और बाद में ड्रोन के बहुत ही बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइलैंड पार्क का ड्रोन व्यूज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में यहाँ रिवर पे आए हैं जहाँ पे हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, और यहाँ पे भी ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। आपको अमेजिंग ड्रोन व्यूज देखने मिलने वाले हैं भाई साहब। तो चलिए अमेजिंग ड्रोन व्यूज देखते हैं इन 3, 2, 1 गो। ड्रोन व्यूज लेने में तो आज कोई कमी नहीं रखी। वैसे अभी हम वापस गगन गिल जो जगह है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारी कैब है, उससे हम जाने वाले हैं हमारी होटल। लेकिन यहाँ पे भी एक रिवर है, मेरे पीछे ही है ये रिवर। तो इस रिवर के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप सोनमर्ग जा रहे हो ना, तब आप 15-20 मिनट का यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो, और यहाँ पे आपकी जो फोटोग्राफी और मेमोरीज बनने वाली है ना भाई साहब, आप मुझे कमेंट करके बताओगे ऐसी जगह है। तो जल्दी से इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। देखो हम गगन गिल में यहाँ पे घूम रहे थे और रमजान भाई मिले हैं। तो यहाँ के लोग है ना, खुद को इतनी ठंड में कैसे गरम रखते हैं ना, वो रमजान भाई आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे। रमजान भाई, हमारा ये फेरन है ना, फेरन के अंदर हम ये कांगड़ी लेते हैं। इससे कांगड़ी, ये विंटर का टाइम हमको कांगड़ी जरूरत है, जिसमें आग रहा कोयला डाल रहा है। हाँ। उसमें गर्मी आता है। शाम अच्छा। का टाइम बिस्तर में लेते हैं, 1-2 घंटे बिस्तर गर्म हो जाता है, फिर ये कांगड़ी निकालते हैं। ओके, थैंक यू रमजान भाई। देखो मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि सोनमर्ग में थाजीवास ग्लेशियर एंड जोजिला पास, ये 2 मेजर अट्रैक्शन है, लेकिन उनमें से आप एक ही विजिट कर पाओगे। लेकिन विंटर की सीजन में देखो स्नोफॉल की वजह से वो क्लोज हो जाता है, आप वहाँ तक नहीं जा पाओगे। लेकिन आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो आपको मिलेगी ना, और स्नो एक्टिविटी, स्नो में फोटोग्राफी सब कुछ हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको एक पैकेज सजेस्ट करना चाहूँगा वे फॉर ट्रैवल्स, और उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन एक बात है कि जब हम गगन गिल पहुँचे ना, तब हमें नहीं पता था कि हमें दूसरी टैक्सी करनी है, और नेगोशिएशन भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। मतलब जो प्राइस हम बोल रहे थे वो एग्री नहीं हो रहे थे। तो हमने वे फॉर ट्रैवल में रवि भाई है उनसे बात की, उन्होंने यहाँ उनके तो लोकल कॉन्टैक्ट्स होते ही है, तो उसकी मदद से हमें एक अच्छी सी डील भी मिल गई। तो विंटर में क्या होता है कि कुछ कुछ जगह पे आपकी कैब नहीं जा पाएगी, तो आपको वहाँ की लोकल टैक्सी करनी पड़ेगी, जो आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होता, किसी के भी पैकेज में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए सही, और उसी लिए मैं आपको ये वे फॉर ट्रैवल्स सजेस्ट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ से अपनी कैब थ्रू
हमारी होटल जाएगी और कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।